उत्तराखंड हमेशा से अपनी खूबसूरती के लिए घूमने की पहली पसंद बना रहता है। इस जगह पर कई धार्मिक स्थल भी हैं। चार धाम यात्रा की वजह से इस समय यहाँ यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। पहाड़ों पर यूं तो मैदानों से ज्यादा शांति रहती है, लेकिन बीते कुछ समय से लोगों की भीड़ ने यहाँ का प्राकृतिक बैलेंस बिगाड़ कर रखा है। इसकी वजह से ऐसी कई चीजें देखने को मिल रही है जैसे पहले नहीं थी। उत्तराखंड में बारिश न होना और भीषण गर्मी से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तरकाशी में भीषण गर्मी के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। एक ओर गर्मी तो दूसरी तरफ जंगलों की आग से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका नतीजा है कि हर दिन भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में इस साल गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। देहरादून में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया, जो बीते 10 साल में सबसे ज्यादा गर्म था। हालात ऐसे हैं कि ग्लेशियर के पिघलने की स्पीड के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं बारिश के अभाव में राज्य के जंगलों का जलना भी जारी है। वनाग्नि से होने वाले प्रदूषण की वजह से ग्लेशियरों पर ब्लैक कार्बन जम रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी अगले कुछ दिन गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। इस कारण ग्लेशियर का और अधिक तेजी से पिघलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जनपद में इस बार सर्दियों में पहले ही बारिश कम हुई। वहीं भीषण गर्मी और जंगलों में लगी आग से हिमालय के ग्लेशियर्स पर बुरा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। पर्यावरण प्रेमी लगातार हिमालय में आ रहे बड़े परिवर्तन पर चिंता जता रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थाओं के सदस्यों का कहना है कि सरकार को उच्च हिमालय को बचाने को लेकर जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे, वरना इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। आपको बता दें कि इस बार भीषण गर्मी से सभी हैरान हैं। ऐसी गर्मी का किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी।